हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वीडियो ज्ञान ज़रा हटके चैनल का है और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज़ नॉट अ नेशन बट इट इज़ अ जोक। तो ये सही बात है, पाकिस्तान आजकल तो जोक ही बना हुआ है। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा, वहाँ आके भी ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए। तो पहले वीडियो देखते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे, लेट स्टार्ट। हाँ तो भैया, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में कुल मिला के तीन तरीके के देश हैं, एक डेमोक्रेटिक, दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक और तीसरा। लेकिन दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मकान चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, जिस तरीके से हर खूबसूरत मकान में एक शौचालय होता है, ठीक उसी तरीके से हमारी इस खूबसूरत दुनिया में। और हाँ, भले ही मोदी जी चिल्ला चिल्ला के अपनी रैलियों में ये बात बोले कि साहब हमने आज की तारीख में इस देश के अंदर 100% शौचालय बना दिए, लेकिन आजाद भारत का पहला शौचालय बनाने का क्रेडिट अगर किसी एक इंसान को जाता है तो वो है हमारे बापू, क्योंकि महात्मा गांधी को सोच और शौच के बीच में फर्क साफ साफ पता था। इसी वजह से जब जिन्ना बापू के पास शौचालय बनाने की रिक्वेस्ट लेके आए तो बापू ने तुरंत हाँ कर दिया, फिर जो कुछ भी हो। लेकिन शौच से मुझे याद आया हमारी ये जो बदचलन छमिया है, मतलब अब आप ही बोलो, इस लफंगे को मैं लफंगा ना कहूं तो क्या कहूं। बच्चों तक ने मास्क पहन रखा है लेकिन इस लफंगे की उगत नहीं उड़े कि मैं मास्क पहन। खैर, हमारी ये जो बदचलन छमिया है इसे आप चाहे कितना ही भला बुरा कह, पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि इंडिया हमें कभी तस्लीम नहीं करता, इंडिया हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि हम अलग कंट्री है। भाई हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपके हमें कभी जरूरत नहीं है, बस जो कश्मीर आपने लिया है उतना वापस कर दो, बाकी बाहर में जाओ। ध्यान देने के लिए अपना मुंह खोला तो यूएन वॉच नाम की संस्था के लोगों ने इमीडिएटली भाई साहब के मुंह में थूक दिया, क्योंकि भाई साहब का ये कहना था कि साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में ये जो इस निंदा हो रही है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो यूएन वालों ने भी कह दिया कि साहब आप जैसे गटर की पैदाइश है, ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आके बैठी है, अब वैसे तो ये भी बर्दाश्त के बाहर है लेकिन फिर भी हम कर ही रहे हैं ना, तो भैया आप भी कर लो। अच्छा, ये जो इस निंदा वाला पूरा मामला हुआ है फ्रांस वाला, उसकी वजह से भी हम लोगों को ये पता चलता है कि साहब ये लोग किस लेवल के उठे गिरे। मतलब फ्रांस में अगर कोई कार्टून छपा तो उसके लिए फ्रांस का विरोध भी होगा, फ्रांस का बायकॉट भी होगा और मैक्रोन के पुतले भी जलाएंगे। लेकिन अगर वही कार्टून कहीं चाइना छाप दे तो ना उसको थोड़ी ना ये लोग कुछ बोलेंगे, क्योंकि उसकी दी हुई चड्डियों को ही तो मुंह पे पहन रखा है। और अगर बोलने के लिए मुंह खोलेंगे तो फिर चड्डियों पे वो जो चीनियों का लगा हुआ है वो मुंह में नहीं चला जाएगा, समझते नहीं हो आप लोग। वैसे इन लोगों का भी गजब, दुनिया में किसी का बायोलॉजिकल फादर होता है, कोई उस इंसान को अपना बाप मानता है जो उसे पाल पोस के बड़ा करे, लेकिन इन लोगों का फंडा एकदम क्लियर है कि साहब जो हमें पैसे देगा वो हमारा बाप, पैसे दो। लेकिन इन लोगों का ये जो लेटेस्ट बाप से पहले वाला बाप बोले तो चाइना है, इसने इन लोगों को इनकी ये जो असली औकात दिखाई है। और हाँ, इस औकात शब्द का बुरा मत मानना, क्योंकि इस औकात शब्द को मैं पाकिस्तान के उन लोगों के सपोर्ट में बोल रहा हूँ जो कि आज की तारीख में सीपेक के अंदर चाइना द्वारा पाकिस्तान के लोगों को दिखाई जा रही उनकी औकात का विरोध करने के लिए पाकिस्तान के अंदर खड़े हुए हैं। असल में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया पाकिस्तान और चाइना के बीच में ठीक उसी तरीके के संबंध हैं जैसे संबंध बिल गेट्स और एक पेलमपुर की गलियों में झाड़ू लगाने वाले के बीच में होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब चाइना सीपेक ग्वादर पे वो 10,000 फैक्ट्रीज लगाने वाली स्कीम लेके पाकिस्तान के लोगों के बीच में आया तो पाकिस्तान के लोगों को ये लगा कि साहब अब क्योंकि जब पूरी दुनिया ही पाकिस्तान से चलेगी तो फिर अपन लोग तो आराम से ऑफिस में बैठ के हुकुम ही देंगे। भाई भले ही आज इन लोगों के पास तुर्की जाने के लिए टिकट खरीदने तक के पैसे ना हो, लेकिन वंशज तो ये लोग ओटोमन एम्पायर के हैं। हाँ, मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोगों को हंसी भी आती है और बुरा भी लगता है कि यार ये ठेठ ओटोमन एम्पायर के लोगों को अपना वंशज मानते हैं, लेकिन इसमें इन लोगों की गलती नहीं है। भाई डीएनए टेस्ट कराने के पैसे ही नहीं इन लोगों के पास, डीएनए टेस्ट कराएंगे तब पता चलेगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत है पाकिस्तान में। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया पॉपुलेशन है, सपना होता है, और जैसे ही इन लोगों का ये राजा रजवाड़ों वाला सपना टूटा वैसे ही इन लोगों को सीपेक के अंदर चाइना के सामने अपनी औकात का एहसास
हो गया, क्योंकि चाइना द्वारा पाकिस्तान को ये सीपेक वाली स्कीम चिपकाए जाने के पहले दिन से लेके आज तक इस स्कीम के तहत पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान के लोगों को झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कचरा उठाना, सांप के लिए चाय बोल के आना, सांप के कपड़े धोना जैसे कि चड्डी और बनियान, सॉरी चड्डिया तो ये लोग मुंह पे पहनते हैं, सो इसी टाइप का काम मिल रहा है। और जो मेन ऑफिस वर्क है वहाँ चाइना की गवर्नमेंट पाकिस्तान को लोन देने के बावजूद भी अपने ही बंदों को बिठा रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये जो सीपेक वाली स्कीम है जिसके तहत ग्वादर पे 10,000 फैक्ट्रीज लगने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मंगल ग्रह की अर्थव्यवस्था से भी आगे निकल जाएगी, उसमें करप्शन की वजह से दुनिया के इस एकमात्र सुपर पावर के पास उन प्रोजेक्ट्स को आगे बनाने के लिए पैसे नहीं बचे। और इसी वजह से आज से कुछ दिन पहले जब हमारी ये बदचलन छमिया चाइना के पास कुछ और पैसे मांगने के लिए गई, चाइना ने इसे ना सिर्फ वहां से भगाया बल्कि यह भी बोला कि बेटा जाते जाते वह झाड़ू मार के बोले तो अभी की कंडीशन में पाकिस्तान के अंदर सीपेक के नाम पे ये जितने भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं इनका आगे का काम बंद। लेकिन मजेदार बात ये है कि इन तमाम अधूरे प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो जो लोन दिया था उसमें ब्याज का जो मीटर है वो अभी भी बराबर चालू रहेगा। मतलब चाइना वालों ने इन लोगों की ये जो फाइल निपटाई है, 10-20 साल और निकलने दो, पाकिस्तान से ग्वादर जाने के लिए भी वीजा लगेगा और वहां पे भी ये लोग सीधे नहीं जा पाएंगे। भाई चेक पॉइंट पे नग्गा होके तलाशी भी तो देना पड़ेगी ना। खैर नग्गे से मुझे याद आया, ये जो हमारी बदचलन छमिया है इसकी एक खासियत है कि ये बहुत फास्ट बॉल डालती है। लेकिन दुनिया का चाहे कितना ही फास्ट बॉलर क्यों ना हो, जब सचिन का बल्ला घूमता है तो बॉल सीधी स्टेडियम के बाहर ही जाती है। नहीं समझ में आया? असल में हुआ ये कि ओटोमन एम्पायर वाले अब्बू के चक्कर में भाई साहब और भाई साहब के चंद समर्थक फ्लैट अर्थ पे खड़े होके फ्रांस के उन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने की मुहिम चला रहे थे जिनको खरीदने की औकात इन लोगों की वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुहिम चल रही थी। तो भाई साहब की उसी मुहिम के जवाब में अब फ्रांस ने ना सिर्फ अपना पत्ता चला है बल्कि फ्रांस की एक चाल की वजह से सिंगल शॉट में पाकिस्तान के 150 फाइटर प्लेन भंगार में तब्दील हो गए। क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान की एयरफोर्स में जितने भी मिराज फाइटर प्लेन हैं इन्हें अपग्रेड कराने के लिए और इनके पार्ट्स खरीदने के लिए इन लोगों ने इस बार फ्रांस को जब फोन लगाया तो फ्रांस वालों ने भाई साहब को ये बोला कि बेटा ना तो प्लेन अपग्रेड होंगे और ना ही हम लोग कोई नए पार्ट्स देंगे। इस वजह से बायकॉट फ्रेंच गुड्स बोलो और उन तमाम प्लेन को उठा के सही में मजाक हो चुका है इनके साथ। खैर वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 10 मिलियन डॉलर का गेंडा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस आतंकवादी हमले को करवाने को लेके सजा सुनाते हुए जेल में भेजा है, जिसको लेके साल 2008 से लेके अब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान का हर बच्चा बच्चा सिर्फ यही कहता आया है कि भैया वो हमला तो खुद भारत ने करवाया था। तो अब जब वो हमला भारत ने करवाया था तो फिर इस शरीफ आदमी को जेल में क्यों डाला? FATF की व्हाइट लिस्ट में आने के चक्कर में बेचारों को छाती पे पत्थर रख के फाइनली आतंकवादी को आतंकवादी बोलना पड़ रहा है। मतलब किस लेवल के उठे गिरे लोग। लेकिन FATF की व्हाइट लिस्ट में तो ये अभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया FATF के अंदर ना तो कोई व्हाइट लिस्ट है और ना ही ये अर्थ फ्लैट है। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सर्वर, आप देख रहे थे क्या। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, बहुत ही मजेदार वीडियो था। और क्या पाकिस्तान के लिए भाई ने आज सच में, तो सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की गलतियां है ये नशा करते और फिर अपने जो वहाँ के ऑफिसर्स है उनको ऑर्डर देते और उसके बाद इनका जो पंचनामा होता है, तमाशा होता है पूरी दुनिया में, वो अलग ही है। इन्होंने तुर्की के साथ आके बायकॉट फ्रांस किया, ना सिर्फ बायकॉट फ्रांस किया, तुर्की से आगे जाके फ्रांस के ऊपर ट्वीट किए, ऐसे कमेंट्स पास किए जो बहुत ही फ्रांस को हर्ट हुआ उस वक्त। और इनका कुछ भी लेना देना नहीं था उस चीज़ से पाकिस्तान का। और एक बात है कि चलो तुर्की अभी इस चीज़ के लिए तुर्की को भी लेने के देने पड़ रहे हैं, क्योंकि पूरा जो यूरोपियन यूनियन है वो तुर्की के अगेंस्ट जा चुका है। और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि तुर्की के ऊपर भी बहुत सारे सैंक्शंस लगने वाले हैं। और तुर्की के जो वर्ल्ड लीडर है, मुस्लिम वर्ल्ड के जो वर्ल्ड लीडर है अर्दोगान, उनकी भी फटी पड़ी है इस वक्त। और उनकी तो फटी है, पर इनकी तो पूरी, इनके पास 66 F-16 है और उसके बाद जो 150 है वो मिराज 5000 है,
वो जो फ्रांस के हैं, और उसको अपग्रेड करने के लिए उसके जो भी स्पेयर पार्ट लगते हैं वो पूरे फ्रांस से आते हैं। ये अपग्रेड तो कर लेंगे चाइना से, या फिर कुछ चाइना से ला के पूरा एडजस्टमेंट कर लेंगे, पर उसके स्पेयर पार्ट पूरे चाइना तो नहीं दे सकता इनको, वो तो सिर्फ फ्रांस ही दे सकता है। और ये फ्रांस ने उनको देने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि इन्होंने उनके यहाँ पे तो इतने मतलब क्या प्रोटेस्ट, और इनके जो मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इनके पास तो एटम बम हर किसी के घर में रखा हुआ होता है, और ये जाते हैं और फिर मार के चले आते हैं। इस तरीके से ऐसा लगता है कि उस देश में एटम बम का मतलब क्या है, टोमेटो है या फिर प्याज है, कांदा है, क्या है, समझ में ही नहीं आता। ये अलग ही दुनिया में जीते ये लोग, इनको लगता है कि बस पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान से आमिर कोई देश ही नहीं है। भाई आप लोगों को इस तरीके से चूना लगाते हैं आपके लीडर्स, आपकी आर्मी, ये जो आपका सीपैक बन रहा है, ये सीपैक के चक्कर में आपकी जितनी इकोनॉमी है उससे उतना ही आपके ऊपर लोन सिर्फ चाइना का हो चुका है, बाकी का छोड़ ही दीजिए, बाकी कंट्रीज़ का और वर्ल्ड बैंक का वो तो अलग ही है। सिर्फ चाइना का ही आपके इकोनॉमी जितना है, आपका जितना GDP है उतना सिर्फ चाइना के आपके ऊपर कर्ज है, वो आपसे उसका ब्याज भी ले रहे हैं, प्लस वो जितने भी मेन जो आपके लोगों को रोज़गार जॉब्स मिलने वाले थे वो जॉब्स भी आपके लोगों को नहीं मिलने वाला है, वो भी नहीं दे रहे, आपको सिर्फ झाड़ू पोछा मारने के लिए वहाँ पे रखा है। और वो भी अगर चाइना के किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है झाड़ू पोछा मारने का, तो वो भी चाइना से ही लोग आएंगे झाड़ू पोछा मारने, या नहीं तो फिर चाइना मशीन भी कोई ला सकता है कि झाड़ू पोछा मारने के लिए मशीन भी वहाँ पे भेज दे, और वो भी जॉब आपके हाथ से चला जाए। तो होश में आ जाइए पाकिस्तान वालों, नहीं तो और 10 साल में आपका जो जैसे भाई ने कहा कि ग्वादर जाने के लिए आपको 101% वीज़ा की ज़रूरत लगेगी, ग्वादर भी चला जाएगा, और आपके जो मेन सिटी के एयरपोर्ट्स है वो भी चाइना के हाथ में जल्दी ही चले जाएंगे। तो ये था वीडियो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जाते जाते ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके उतना शेयर भी कीजिए। जय हिंद।